सो हे गाइस, फाइनली जो यामा एफ जी का न्यू वर्जन आने वाला था उसका प्रॉपर डिजाइन सामने निकल कर आ गया है। ब्राजील के मार्केट में इस बाइक को लॉन्च कर दिया गया है। बाइक पूरी तरह से रिवील हो गई है, क्या बाइक का डिजाइन होने वाला है, क्या बाइक के फीचर्स होने वाले हैं, और जो बाइक का डिजाइन है ना वो काफी सिमिलर है FZ25 से। तो मुझे काफी कमेंट आ रहे थे कि यामा एफजी का न्यू वर्जन इंडियन मार्केट में कब लॉन्च होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये बाइक कौन से मंथ में लॉन्च होने वाली है, बाइक में कौन कौन से फीचर्स आने वाले हैं, और लॉन्च होने पर बाइक का क्या प्राइस रखा जाएगा इंडियन मार्केट में। तो एफजी के न्यू वर्जन के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देख लेना। और अगर आपको कोई भी फर्दर क्वेरी होती है किसी भी बाइक से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को और बात करते हैं यामा एफजी V4 के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी काफी सारी वीडियोस में बताया कि एफजी का न्यू वर्जन आने वाला है और ये अब ऑफिशियल भी हो चुका है क्योंकि एफजी का न्यू वर्जन लॉन्च हो गया है इंटरनेशनल मार्केट में। और बाइक के न्यू वर्जन में काफी सारे कॉस्मेटिक अपडेट्स आए हैं। बाइक की जो फ्रंट पार्ट की हेडलाइट है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है जो कि इंस्पायर है FZ25 से। बाकी जो बाइक के ग्राफिक्स होने वाले वो आपको सेम देखने को मिलेंगे पुराने वाले, और जो बाइक के रियर पार्ट है ना वो भी सेम रखा गया है FZ V3 से। मतलब ओवरऑल इसके फ्रंट हेडलाइट को चेंज करा गया है, बाकी पूरी बाइक सेम है। इनफैक्ट बाइक के कॉन्सोल को भी इन्होंने सेम ही रखा है, छोटा सा भी आपको पुराना वाला कॉन्सोल देखने को मिलेगा। तो अब आपको इस बाइक में फ्रंट पार्ट में प्रोजेक्टर लैंप मिल जाएगा। और मुझे इसके न्यू मॉडल में एक बात अच्छी लगी कि जो इसके फ्रंट पार्ट का हेडलाइट है ना वो काफी अग्रेसिव सा हो गया है, तो जो बाइक का ओवरऑल लुक है ना वो काफी सूट कर रहा है इस हेडलैम्प के साथ। बाकी बाइक में आपको सेम 149cc का एयर कूल इंजन मिल जाता है जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 12.4 bhp की 7250 rpm पर, और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 13.3 Nm का 5500 rpm पर। इस पावर के साथ ये बाइक 110 से 115 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड तक जा पाएगी। और बात करें बाइक के फीचर्स वगैरह के बारे में, तो आपको बाइक में सिंगल चैनल एबीएस मिल जाता है आप सभी की सेफ्टी के लिए। बाइक में 5 स्पीड गियरबॉक्स है और बाइक का कंसोल अभी भी वही पुराना वाला है छोटा सा, जिसमें आपको सभी बेसिक फंक्शन शो हो जाते हैं। बाकी एडवांस फीचर में आपको इसमें यामा की मोबाइल फोन कनेक्टिविटी वाला फीचर मिल जाता है। और सस्पेंशन में इसके फ्रंट पार्ट में टेलीस्कोपिक फोक, रियर पार्ट में एडजस्टेबल मोनोशॉक अब्सॉर्बर का यूज किया गया है। और एफजी के न्यू मॉडल के टायर साइज की बात करें तो इसके फ्रंट पार्ट का टायर है 100x80mm का और रियर पार्ट का टायर है 140x60mm का। और न्यू मॉडल का डायमेंशन भी बिल्कुल सेम है, 135kg का आपको इसमें कर्व वेट मिल जाएगा, 165mm की ग्राउंड क्लियरेंस है और 790mm की इसकी सीट हाइट है जो कि बिल्कुल फेवर में रहने वाली है शॉर्ट राइडर के लिए, उनको बाइक को ऑपरेट करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। और आपको बाइक में 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी जो कि आपको 45 से 50 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग में और हाईवे राइडिंग पर। बाकी चलिए बात कर लेते हैं एफजी न्यू मॉडल के लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। ये बाइक दोस्तों आपको आने वाले 1 से 2 महीनों में लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकती है। एक्सपेक्टेड आपको ये बाइक अक्टूबर से नवंबर के मंथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगी इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। और लॉन्च होने पर बाइक के प्राइस में 5 से 10 हजार का डिफरेंस आ सकता है। एक्सपेक्टेड आपको ये बाइक 125,000 से 130,000 के एक्शन प्राइस पर अवेलेबल हो जाएगी। तो ये थी दोस्तों आज एक छोटी सी वीडियो एफजी न्यू वर्जन के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मुझे नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना कि आप में से कितने लोग हैं जो इस बाइक के लॉन्च होने का वेट कर रहे हैं और आने वाले टाइम में इस बाइक को परचेज करने वाले हैं। बाकी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लो आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो बस यार दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी कल दोबारा से मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।